फ्रेंड, जैसा देख पा रहा है आज मेरे पास है बजाज की मोस्ट पॉपुलर इकोनॉमी सेगमेंट की बेस्ट बाइक बजाज पल्सर 150 BS6 FI वाली वेरिएंट है। और आज इसी के बारे में कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे कि इसका बाय द वे फ्यूल पंप वर्क ना करे, गाड़ी स्टार्ट ना हो तो क्या क्या चीज़ आपको चेक करना चाहिए, किस तरह से प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करना चाहिए। सबसे पहले इसका बेटर लुक देख लें, इस तरह से कुछ स्लिप्ड एडिशन की 150 आपको देखने को मिलेगी। और सबसे पहले इसको बेजिंग दिखा दें, इस जगह पर यहाँ पर इसका पल्सर BS6 की, और आपको समझ में आ ही रहा होगा इसका यहाँ पर इस जगह पर चेक इंजन लाइट का एरर कोड शो करता है। और इसका थ्रोटल बॉडी इसके अंदर इस जगह पे टाइट किया हुआ, और यहाँ पे इसका कंप्लीट फ्यूल मोटर वगैरह काम करता है। तो किस तरह से ये काम करता है, और बाय द वे आपका गाड़ी स्टार्ट ना हो और फ्यूल पंप वर्क ना करे, टैंक मोटर से कोई साउंड ना आए, तो आपको क्या क्या चीज़ चेक करना चाहिए, उसी के बारे में स्टेप बाय स्टेप बताते जाएंगे। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी, वीडियो में एंड तक बने रहिए, एक एक प्रोसेस के बारे में बता देंगे। और वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि पर डे इसी तरह से टेक्निकल और हेल्पफुल वीडियो लाते रहें। चलिए फट से वीडियो को शुरू करते हैं और आपको एक एक प्रोसेस के बारे में बताते हैं कि आपकी गाड़ी स्टार्टिंग प्रॉब्लम करती है, फ्यूल मोटर वर्क नहीं करता, या फिर गाड़ी ऑटोमेटिकली बंद पड़ जाती है, तो आपको क्या क्या चीज़ चेक करना चाहिए। ये खासतौर पर जो हमारे मैकेनिक भाइयों के लिए वीडियो है, और जो कस्टमर भाई इस बाइक को परचेज कर लिए हैं उसके साथ अगर कभी इरिटेटिंग प्रॉब्लम करती है तो क्या क्या चीज़ चेक करना चाहिए, उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप बताते रहेंगे। चलिए फट से वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके मीटर कंसोल की बात करेंगे, तो जैसे इसके इग्निशन को ऑन करेंगे इस तरह से इसके फीचर्स आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखा दें कि क्या क्या चीज़ है, जल्दी में बता दें क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। फर्स्ट में यहाँ पे साइड इंडिकेटर मिल जाएगा, दूसरे में यहाँ पे आपको न्यूट्रल मिल जाएगा, तीसरे में आपको पास लाइट का स्विच मिल जाएगा, चौथे नंबर पर आपको ABS का सिंबल मिल जाएगा यानी एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, और यहाँ पर आपको चेक इंजन लाइट का एक एरर कोड शो करेगा, प्लस यहाँ पर RPM लिमिट शो करेगा। इसमें आपको सिर्फ यहाँ पर जो है इंजन टेम्परेचर नहीं मिलता है, और ऑयल कूलेंट का टेम्परेचर नहीं मिलता जो सिर्फ 220 में मिलता है, प्लस इसमें आपको क्लॉक का सिस्टम नहीं मिलता है, ट्रिप ए ट्रिप बी और रोडो किलोमीटर का मिलता है। यहाँ पे फ्यूल लो इंडिकेट मिल जाएगा, और ऊपर इस जगह पे जो खाली जगह बचा हुआ है यहाँ पे आपको साइड स्टैंड और ये जो हमारा इस जगह पे एरिया है यहाँ पे बैटरी लो का इंडिकेट करेगा। अब हम जो मेन टॉपिक को कवर करेंगे कि हमारा फ्यूल पंप वर्क ना करे तो कौन कौन सा रिले चेक करेंगे, कौन कौन सा फ्यूल चेक करेंगे, उसी के बारे में आपको हम बताते चलते हैं। तो सबसे पहला स्टेप जो रहेगा, सबसे पहले जो आपको चेक करना है, जैसे इग्निशन को ऑन करेंगे उस सिचुएशन में हमारा फ्यूल टैंक के अंदर से एक साउंड आता है जो मोटर हमारा चलता है। आपको साउंड अगर हो सके तो क्लियरली सुना दें, ये देखिए एकदम तेजी से साउंड आता है। और जब भी हम इग्निशन को ऑन करते हैं तो यहाँ से कट कट की साउंड आती है। तो जब भी BS6 की बाइक को आप ऑन कीजिएगा, स्पोर्ट बाइक या क्रूजर बाइक को, तो कहाँ होगा किट किट से साउंड करेगा, तो आपको समझ लेना है कि इसका फ्यूल पंप का रिले वर्क कर रहा है। तो सबसे पहले आपको हम स्टेप बता दें, और उस सिचुएशन में जब भी आप अपने फ्यूल पंप को चेक करें तो यहाँ पर ये देख पा रहे हैं ये इसका किल स्विच ऑन होना चाहिए। किल स्विच अगर ऑफ होता है तो यहाँ पर देख पा रहे हैं चेक इंजन का एक ना कोई एरर कोड शो करेगा, ना ही इसका फ्यूल पंप चलेगा, यानी इसके जो फ्यूल पंप वर्किंग के या फिर गाड़ी स्टार्टिंग के लिए या फिर कोई और सेंसर का एरर कोड चेक करने के लिए बैटरी का होना एकदम जरूरी है। तो सबसे पहला जो स्टेप रहेगा कि हमारा बैटरी का टेम्परेचर सही होना चाहिए, किस तरह से किस कंडीशन में होना चाहिए, उसके लिए सबसे पहले आपको यहां से इसके लेफ्ट साइड के पैनल को इस तरह से की को पुश करेंगे, और हमारा लेफ्ट साइड का जो पैनल है ये आसानी से यहां से रिमूव हो जाएगा। और कलर क्वालिटी देख पा रहे हैं पहले से बहुत ज्यादा इसमें बदलाव कर दिया गया है दोस्तों, लेफ्ट साइड की इसके पैनल को एकदम इजीली रिमूव कर दिए। और यहाँ पे देख पा रहे हैं एक साइड का आपको मेंटेनेंस फ्री वाली बैटरी देखने को मिलेगा, क्योंकि जब से BS6 की मैन्युफैक्चरिंग हुई है इस पर आपको जो यहाँ पे लिक्विड वाली बैटरी नहीं मिलेगी, चाहे कोई भी BS6 की बाइक हो। तो सबसे पहला जो चीज़ आपको चेक करना है, इस पर 12 वोल्ट का करंट आना चाहिए, किस तरह से आपको वो भी हमको दिखा देते हैं। तो दोस्तों फ्यूल मोटर और फ्यूल पंप ना चले उसके लिए सबसे पहला स्टेप जो आपको हम दिखाएं, इस तरह से आपके पास एक मल्टीमीटर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, या फिर टेस्टिंग लैंप का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे इसका नेगेटिव टर्मिनल पे नेगेटिव पॉइंट टाइट कर दिया, पॉजिटिव टर्मिनल पर पॉजिटिव टाइट कर दिया, और यहाँ पर इसका मल्टीमीटर पर देख पा रहे इसका जो क्वांटिटी आ रही है यहाँ देख पा रहे 13 यानी 13 दिखा रहा है, या 12 से प्लस होना चाहिए जब ही आपका फ्यूल मोटर वर्क करेगा। क्योंकि गाड़ी में आपको राइट साइड से अगर इस जगह पे दिखा दे तो यहाँ पे आपको किक का कोई ऑप्शन नहीं मिलता है, यानी आपकी गाड़ी की अगर बाय द वे बैटरी डाउन पड़ गई तो उस सिचुएशन में आपको गाड़ी धक्के देने से हो सके कभी स्टार्ट हो भी जाए और नहीं भी हो जाए, क्योंकि इसके अंदर यहाँ पर इसकी बैटरी असेंबल की गई है। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप रहेगा, अगर आपका फ्यूल पंप वर्क ना करे तो सबसे पहले आप बैटरी की कंटिन्यूटी चेक करें, हमारी बैटरी कितनी चार्ज है। अब दूसरा स्टेप इसका हम चेक करेंगे कि हमारा
फ्यूज वर्क कर रहा है या नहीं। तो सबसे पहले इस जगह पे आपको देख पा रहे हैं, यहाँ पे इसका फ्यूज का बॉक्स मिल जाएगा और इस पर इतनी अच्छी तरह से डिटेल लिखा हुआ कि कोई भी भाई इसको या फिर जो कस्टमर भाई वो आसानी से इसके फ्यूज को वर्किंग को देख सकते हैं कहाँ से हमारा कौन सा फ्यूज है। तो सबसे पहले यहाँ पे ABS का पहला नंबर पर फ्यूज मिल जाएगा आपको। क्लियरली जूम करके थोड़ा सा दिखा देते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं एक ABS का फ्यूज है, दूसरा किल स्विच का है, फिर लाइटिंग का है, फिर HT कॉइल का है, और यहाँ पे जो पांचवें नंबर पे आपको फ्यूज मिलेगा वो इंजेक्टर का मिल जाएगा, प्लस छठे नंबर पे आपको स्पीडोमीटर प्लस ECU का मिल जाएगा। तो ये जो आपको इंजेक्टर वाला फ्यूज है इसको आपको चेक करना है। सबसे पहले सिंपली इस तरह से ओपन करेंगे और यहाँ पर हमारा जो इस तरह से यहाँ पर एक जो फ्यूज लगा हुआ है ये हमारा स्पेशल इंजेक्टर के लिए होता है। जब भी हमारा फ्यूल इंजेक्टर ना चले, साउंड वगैरह ना हो, तो यहाँ पर इस फ्यूज को चेक करें। जो यहाँ 15 एम्पीयर का एक फ्यूज दिया गया है, इसका एक यहाँ पर एक्स्ट्रा फ्यूज है। प्लस इसके जो है सारे चीजों के लिए आपको पहले बता ही चुके हैं कि अलग अलग जगह पे अलग अलग बेस पे इसका फ्यूज दिया गया है। यहाँ पे इसका सेल्फ स्टार्टर रिले के लिए एक अलग से फ्यूज यहाँ पे लगाया गया है, जो 13 एम्पीयर का इस जगह पे फ्यूज दिया गया है, और इसके लिए भी यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फ्यूज है और एक यहाँ पे एक्स्ट्रा फ्यूज दिया गया। बाय द वे अगर आपकी सेल्फ काम नहीं कर रही है तो इस जगह पर आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो ये इसका सेल्फ के बारे में भी बात नहीं करेंगे, मेन जो कवर किए हैं इसके फ्यूल मोटर को कवर किए हैं कि फ्यूल मीटर नहीं चलता, गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, तो ये सारे चीज़ आपको चेक करना है। तो फ्यूज को यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे भी एक फ्यूज बॉक्स लगाया गया है, जो यहाँ पे एक 10 एम्पीयर का और एक 5 एम्पीयर का है। तो ये इसका जो खास जो है ABS के लिए, अगर ब्रेकिंग सिस्टम आपका काम नहीं कर रहा तो ये वाले फ्यूज को आप चेक करें जो 5 नंबर का है। प्लस अगर कहीं से शॉर्ट सर्किट होता है तो ये 10 नंबर का फ्यूज आपको एक्स्ट्रा वोल्टेज बेस मिल जाता है, तो ये हमारा जो 10 नंबर का फ्यूज है ये उड़ जाएगा। तो इसके लिए भी बात नहीं करेंगे। अब चलिए इसके दोनों पैनल को ओपन करते हैं और आपको हम दिखाते हैं कि अगर बाय द वे इसका फ्यूल पंप नहीं चलता है, जैसे आपके इग्निशन को ऑन करते हैं और यहाँ जो साउंड आता है वो अगर नहीं आ रहा है, देखिए कुछ इस तरह से साउंड नहीं आता है, तो सबसे पहले आपको इस तरह से सीट को पुश करेंगे। तो दोस्तों ये देख पा रहे हैं इसके दोनों सीट को, फ्रंट और रियर दोनों सीट के ओपन कर दिए और यहाँ पे इसको जो इस जगह पे आपको रिले देखने को मिल जाएगा, जो 4 रिले लगाए गए हैं। तो इसमें हम पहले से ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं कि इसका रिले कैसे वर्क करता है, बट अभी हम आपको दिखा दें कि इसका फ्यूल पंप का रिले कौन सा है। तो यहाँ पे भी आपको एक ऑप्शन दिखा देते हैं, अगर आपका फ्यूल पंप वर्क नहीं करे तो ये जो दूसरा नंबर का रिले है, वैसे तो सब में डिटेल लिखा हुआ है, इसके ऊपर अलग से वीडियो बना रखे हैं, वो वीडियो नहीं देखें, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है कैसे फ्यूल पंप वर्क करता है और रिले खराब हो तो कैसे चेक करते हैं। ये जो दूसरा नंबर का रिले है हमारा फ्यूल पंप का रिले है, फ्यूल पंप ना चले तो इस वाले रिले को आप चेंज कर दें। तो ये हो गया सारा डिटेल। और बहुत से बार ये भी होता है कि हमारा फ्यूल पंप तो चल रहा है बट क्या हो रहा है कि फ्यूल की सप्लाई नहीं हो रही, तो उस कंडीशन में हम कैसे चेक करेंगे और कहाँ से प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करेंगे और कैसे प्रॉब्लम को पता कर सकेंगे कि हमारा फ्यूल पंप सही है फिर भी पेट्रोल पास नहीं कर रहा है। बहुत से बार होता है कि इंजेक्टर में गंदगी आ जाती है, इंजेक्टर जाम पड़ जाता है, तो उस सिचुएशन में आपको क्या चीज़ चेक करना है उसके बारे में आपको हम बताते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि अगर आपका सारा चीज़ सही वर्क कर रहा बट फ्यूल की सप्लाई नहीं होती तो उस कंडीशन में आपको क्या क्या चीज़ चेक करना है। तो सबसे पहले इस जगह पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे इस तरह से क्लिप को ओपन करेंगे और यहाँ पे इसका इंजेक्टर का पाइप आपको देखने को मिल जाएगा। थोड़ा सा आपको नीचे से दिखाते हैं, तो यहाँ पे देखें इसके टैंक पे इस जगह पे यहाँ पे एक लॉक टाइप का बना है, इसको रिमूव करेंगे तो हमारा इंजेक्टर का पाइप मिल जाएगा जो टैंक से कंप्लीट हेड में सप्लाई करता है, जिसे फ्यूल इंजेक्टर बोलते हैं, जो बहुत से बार का होता है ब्लॉक पड़ जाता है डस्ट वगैरह आ जाने के रीज़न से। इसी रीज़न से हमारा क्या होता है कि फ्यूल मोटर तो वर्क करता है बट हेड में ऑयल का सप्लाई, जो पेट्रोल का सप्लाई नहीं हो पाता और उसी रीज़न से हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। तो उस सिचुएशन में क्या करना है कि यहाँ पर आपको एक ग्रीन कलर का डॉट देखने को मिल जाएगा यहाँ पर इस जगह पर, तो क्या करेंगे इसको इस तरह से पुश करेंगे और इसको बैक प्रेस करेंगे तो ये क्या होगा हमारा आसानी से खुल आएगा। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए इस तरह से आसानी से खुल गया। और इसी रीज़न से क्या होता है कि बहुत से बार ब्लॉक पड़ जाता है, तो इसी तरह से आप चेक कर सकते हैं। इसको यहाँ से इस तरह से ओपन किया, अब हम क्या करेंगे इग्निशन को ऑन करेंगे। यहाँ से अगर हमारा पेट्रोल प्रॉपर सप्लाई हो रहा है, जब आपको समझ लेना है कि हमारा इंजेक्टर सही है, इंजेक्टर में कोई इशू नहीं हुआ है, तो सबसे पहले आपको हम चेक करके दिखाते हैं। जैसे इग्निशन को ऑन करेंगे और इस सिचुएशन में हमारा किल स्विच ऑन होना चाहिए जो राइट साइड में हैंडल में होता है, तो इस तरह से यहाँ पर इसको ओपन किया और इसकी इग्निशन को ऑन करेंगे, तो आपने देखा किस कंडीशन में इसमें पेट्रोल आ रहा है। जब भी आप इस कंडीशन को चेक करें, इस तरह से प्रॉपर तरीके से पेट्रोल आना चाहिए। अगर आपको प्रॉपर तरीके से पेट्रोल मिल रहा है, आप समझ लीजिए कि हमारा इंजेक्टर भी सही है और पेट्रोल पंप प्रॉपर काम कर रहा है। इसके बाद अब अगर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो तो फिर आप थ्रोटल बॉडी चेक कर सकते हैं, उसको क्लीनिंग कर सकते हैं, उसके वायरिंग वगैरह चेक कर सकते हैं, बट फ्यूल मोटर चेक करने के इतने सारे इशू थे। बैटरी आपकी कंप्लीट चार्ज होनी चाहिए, किल स्विच सही होना चाहिए, इसका फ्यूज सही होना चाहिए, फ्यूल पंप का रिले सही होना चाहिए, ये सारे चीज़ सही है, तो फिर आपको फ्यूल पंप से डॉट
आपको क्लियर हो जाएगा कि हमारा ये सारा चीज़ सही है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि पर डे इसी तरह से टेक्निकल और हेल्पफुल वीडियो लाते रहें। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इसके वायरिंग डिटेल वीडियो चाहिए नीचे डिस्क्रिप्शन में है, और इसके फ्यूल पंप कैसे वर्क करता है, इसके सेंसर कैसे वर्क करता है, सारे चीज़ों के ऊपर अलग से वीडियो बना रखी, वो वीडियो नहीं देखें नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार जाकर जरूर से जरूर विजिट कर लें। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।